यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह के सामने, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हैं, उनके सामने यदि कोई भी ग्रह आकर के बैठा हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर शुक्र और उस ग्रह का आपसी टकराव हो जाता है। और अगर ये टकराव आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अच्छा ना हो और आपने गलती से जरकन या हीरा, जो सब्स्टिट्यूट होता है हीरे का, इन दोनों में से कुछ भी आपने पहन लिया, तो ये टकराव बढ़ जाता है, ये परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं और अन्य योगों के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र तो बहुत उच्च का बैठा है, अच्छी परिस्थिति में बैठा है, लेकिन यदि वो किसी ग्रह को टक्कर दे रहा है, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए, जरकन नहीं पहनना चाहिए। यदि आप शो ऑफ के लिए, अपने फैशन के लिए या फिर अपने किसी भी और सिचुएशन के लिए आप पहनना भी चाहते हैं, तो हीरे को इस प्रकार से पहने कि वो आपकी स्किन पर, यानी कि आपकी जो स्किन होती है उससे वो टच बिल्कुल भी ना हो, तो आपके लिए ये नुकसानदायक नहीं होगा। अन्यथा हीरा नहीं है, सभी के लिए। जय माता दी।